नमस्कार, शाखा नौ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। आइए देखते हैं दो मिनट में दर्जन खबरें। कांदेवली शताब्दी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाई लिखने वाले डॉक्टर पर अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक प्रदीप आंगरे का चला चाबुक। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य में राष्ट्रपति शासन दुर्भाग्यपूर्ण, जल्द बनेगी स्थिर सरकार। मुंबई में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, राजभवन जाने के प्रयास में निर्दलीय विधायक बच्चू कड़ू सहित कई हिरासत में लिए गए। शरद पवार को थप्पड़ मारने वाले शख्स को 8 साल बाद दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी शिवसेना मिलकर बनाए सरकार, ऐसी मांग लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा कार्यकर्ता। राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन, देवेंद्र फडणवीस नहीं तोड़ सके 52 साल का रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच किसी समझौते की खबर सामने आने के बाद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और अहमद पटेल के बीच किसी बैठक की खबर गलत है और कांग्रेस शिवसेना के बीच बातचीत अब भी जारी है। मीडिया के एक वर्ग द्वारा घटना की कवरेज से नाराज एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि अगर नेताओं की निजता में ताकझाक की गई तो वह पत्रकारों से नहीं मिलेंगे। राफेल पर कानून मंत्री रविशंकर का वार, सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब देश से भी माफी मांगे राहुल गांधी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण अमिताभ बच्चन लेने जा रहे हैं लंबा ब्रेक, नहीं करेंगे फिल्म की शूटिंग। गुड न्यूज फिल्म का पोस्टर रिलीज, दो प्रेग्नेंट लेडीज के बीच फंसे अक्षय कुमार। एथलेटिक दूती चंद टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल, कहा मैं लैंगिक समानता में भरोसा रखती हूं। दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज चैनल, शाखा न्यूज 9 को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।